कहाँ से तो टूट गई है। मुझे एक बहुत ही खास चीज मिली, ये देखिए। सामान इतना ज्यादा नहीं होता, बट वो इतना अलग अलग जगह रखा होता है ना। There are some days when you crave for something spicy. This is me Priya again back to the channel with another vlog. So आज है 25th of January और मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही randomly आपके साथ vlog share किया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके साथ share करने के लिए। So yes, चलिए continue। अभी as such कोई हमें introduction देने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये general vlog है और vlog में आप दिन भर क्या करने वाले हो, it's unpredictable, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। सो येस, विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज ब्लॉग। और आज मैंने जो दो तीन काम सोच के रखे हैं वो हैं, मुझे अलमारी सेट करनी है मम्मी की। ये आ गई मेरी मिठू, ये देखो, ये रही मेरी मिठू। सो मम्मी की अलमारी एकदम तहस नहस हो गई है। मैंने लास्ट ईयर सेट करी थी और कपड़े निकालते रखते इतनी ज़्यादा वो ख़राब हो गई है, तो हमें वो करना है। और मेरा अभी पिछले दो तीन दिन से यही काम चल रहा है। मैंने पूरी अपनी अलमारी सेट करी, मैंने अपने भाई की पूरी अलमारी सेट करी, अब आज फाइनली डे है मम्मी की अलमारी सेट करने का। कहाँ चढ़ना है बाबू? यस, विद दिस लेट्स कंटिन्यू विद द व्लॉग। तो करो सबको हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू। सो ये था मिट्टू का कैक्टस, जिसकी मिट्टू ने हड्डियाँ तोड़ डाली हैं। कल वो इसके ऊपर चढ़ के ऐसा डांस करी कि बेचारे के हड्डी पसलियाँ टूट गई हैं। अब उसमें जान तो है, सोचिए कितना साथ दे रहा है वो। इट्स लाइक ऐसा ऐसा हो गया उसके अंदर शायद जो एक, आई शो यू, इसके अंदर शायद जो एक स्टेम होती है, कहाँ से तो टूट गई है। इसको बनाने का कोई तरीका है क्या? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये देखिए मर गया है ये। सो ये रही मम्मी की वो अलमारी जिसे हम सेट करने वाले हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा बिखरी हुई है, इसमें कुछ भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। मम्मी हम लोग के कपड़े सब निकाल के बांट देती है, लेकिन अपने कपड़े इतने बचा बचा के रखती है किसी को देना नहीं पड़े। तो आज मैं सारे मम्मी के कपड़े निकाल के डोनेट कर दूंगी, जितने भी पुराने कपड़े हैं। तो हम एक एक खंदे से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। मैंने अभी सारा कचड़ा मम्मी को यहाँ पे दे दिया है, कपड़ा सॉरी, और अब मम्मी इसमें सेलेक्ट करेगी। साड़ी अलग, ब्लाउज अलग, पेटीकोट अलग, इसमें सब इतने बुरी तरीके से गुंजा हुआ है कि मुझे एक मिट्टू की ड्रेस भी मिल गई है। देखिए सोचिए, मम्मी की अलमारी में मिट्टू की ड्रेस मिल रही है, तब सोचिए हमारे घर में क्या हाल है कपड़ों का, क्या क्या मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हो गया है लगभग। आप ये देखो भैया, इतने कपड़े कि मतलब क्या बताएं। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजर्स ले लो, बास्केट ले लो। भैया जिसके पास लिमिटेड कपड़े हो तो बास्केट लेके ऑर्गेनाइज भी कर ले, इतने कपड़े तो बास्केट में भी ना समाए। जब देखो बोलते रहेंगे ना, हमने तो सब अपने बच्चों को खरीद के दे दिया, हमने तो सब अपने बच्चों को खरीद के दे दिया, हम तो यही फटा पुराना पहन रहे हैं। देखो भैया देखो, फटा पुराना, इतने इतने भरमार कपड़ों की पहनते नहीं तो बात अलग है।
अब बोल देंगे कि फटा पुराना पहन रहे हैं। ऊपर का तो बचा है, ऊपर का तो अभी हुआ ही नहीं है वो वाला। चलो वो भी कर लेते हैं, अब आज हो रहा है तो फाइनली पूरा निपटा ही देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जमघट लगा हुआ है एकदम। अब हम ये जो सब चूड़ियाँ हैं, और मुझे एक बहुत ही ख़ास चीज़ मिली, ये देखिए। मैं एक समय बड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली हुआ करती थी, तब मैंने मम्मी के लिए ये बनाया था, है ना मम्मी। एक ये राउंड शेप में था चूड़ी रखने वाला, एक ये था चूड़ी, एक ये है वेलवेट पेपर का इस्तेमाल करके बनाया था। इसमें थोड़ा सा धूल जम गई है और ये थोड़ा सा निकलने भी लगा है। और एक बनाया था ये कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके, देखिए प्रॉपर, देखिए मिठू देखो कहाँ से गिरी हो आई, ये देखो ये बनाया था एक। इसमें ये, तब तो मुझे पता नहीं था कि क्या टाइप के पेपर आते हैं, तो ये मैंने हल्की जो कपड़े वाली पन्नी होती है उसको लगा के बनाया था। और ये चांद सितारे सब निकल गए हैं, काफ़ी पुराना हो गया है। सो ये काफ़ी क्रिएटिव हूँ मैं, बट अब समय नहीं रहता है तो इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं ये सब, मिरर खरीद के ये सब मैंने बनाया। सो फ्रेंड्स, फाइनली आई एम डन विथ मम्मी का अलमारी सेटअप। और इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं, इतना कचड़ा, फालतू का सामान। वंस इन अ वाइल ये करना चाहिए। पता है क्या होता है, सामान इतना ज़्यादा नहीं होता, बट वो इतना अलग अलग जगह रखा होता है ना, वही छोटी छोटी चीज़ें कुछ यहाँ बिखरी हैं कुछ वहाँ बिखरी हैं, तो उसको अगर हम ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे, जैसे जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो एक साइड कर दी, बिंदी है चूड़ी है वो सब एक साथ कर दी, तो स्पेस बचता है। सो फाइनली वी आर डन विद दैट। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी अलमारी कैसी लग रही है आफ्टर सेटअप। और अब बारी है बाकी का जो सामान इधर उधर है उसको सेट करेंगे। और ऑल्सो आज हमें जाना है तिलक में, मेरे ससुराल साइड में जो बुआ है मेरी उनके नाती की शादी हो रही है, तो आज उसका तिलक है, तो हमें वहाँ भी जाना है। तो यस, मज़ा आएगा, तिलक का भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर मौका मिला तो। यस, देखा बोला था ना कुछ स्पेशल निकल ही आया। सो चलिए बने रहिए व्लॉग में, अभी बज गए हैं 12:30 और ये करते करते टाइम का ही नहीं पता चला। सो फ्रेंड्स आई एम बैक, मैंने नहा लिया है फाइनली और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। एंड मैंने अपनी अलमारी की सफाई करी, मैंने आपको बताया था सुबह कि मैं पिछले 2 दिन से कर रही हूँ। सो मुझे ये मिला ये टॉप, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है, ये टॉप मुझे मिला, स्लीव्स ऐसी हैं, पफी स्लीव्स। तो ये मैंने बहुत टाइम पहले, आई थिंक जब मैं पुणे में थी तब मैंने, पुणे से आने के बाद 2019-20 में मैंने शायद शादी के पहले मैंने 2019 में ये शीन से मंगवाया था, जो भी हो, बट शीन के जो कपड़े थे ना काफ़ी अच्छे होते थे। मैं सब कपड़ों की नहीं बात करी, वैसे मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स देखे जिन्होंने बोला भी है कि कुछ कपड़े अच्छे नहीं होते थे, बट एटलीस्ट मैंने जितने भी चुन चुन के, मैंने सिर्फ शीन से मैंने 4 कपड़े 4 क्लोथिंग आइटम्स मंगवाए हैं। एक जब मैं हमारा जब हमें हनीमून में जाना था शादी के बाद, हम लोग फुकेत गए थे, तो वहाँ के लिए मैंने हैट मंगवाई थी। मैंने से कुछ 5-6 ऐसे सेलेक्टेड पीसेस थे जो कि मैंने शीन से मंगवाए थे, और मुझे इतना ज़्यादा बढ़िया लगता है ना, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, इसके स्लीव्स काफ़ी अच्छे हैं, फिटिंग, और आप ये नेक देखो, इसका नेक लाइन इतनी सुंदर है, आप इसको साड़ी के साथ भी पहन सकते हो। इसका ये पेपलम जो फ्लो है, पेपलम टॉप बोलते हैं ना इसको, कैसा लग रहा है मम्मी?
अच्छा लग रहा है। कभी मैं भी पहन के चली जाऊं पार्टी में। हाँ जीन्स पहन लेना और ये। सो यस, तो बस मैं नहा के आई और अभी हम लोग करेंगे लंच। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, काम के चक्कर में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। सो लेट्स डू इट। आज है खाने में ये है आलू लौकी चने की दाल बनी है, चावल है, और कल हमारे खाना आया था मिक्स वेज है। ये एक्चुअली हमें खाना आया था दूसरी जगह से, तो ये वही कल रात को आया था। अब कहाँ से आया था दैट डज नॉट मीन एनी सेंस, उसमें बताने का कोई ऐसी खुशी वाली बात नहीं है। सो आ गया है हमारा लंच। यहाँ पे है मम्मी की थाली, थोड़ी सी सेवइयाँ भी है, थोड़ा सा रायता भी है, और ये चिली। आज मेरा मिर्ची खाने का मन है, वैसे मैं मिर्ची खाती नहीं हूँ, बट यू नो देर आर सम डेज व्हेन यू क्रेव फॉर समथिंग स्पाइसी। चलिए कर लेते हैं डिनर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और बिना अनुपमा के तो कौर ना टूटे हमारे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग चाय पी के बैठे हुए हैं। आज मौसम काफ़ी ख़राब है, ना ठंड है ना गर्मी है, बदरी छाई हुई है, ना बारिश हो रही है। और मैंने अभी अपनी मम्मी के साथ एक बढ़िया गाने पे शॉर्ट्स अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखना जाके। हम दोनों को डांस आता है बट बैंड बाजे वाला डांस आता है। सो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो बहुत मज़ा आया है ना मम्मी। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं छत की तरफ। मौसम काफ़ी ख़राब है और गेहूं डाला हुआ था, तो कभी भी वक्त बारिश हो सकती है, कभी भी वक्त किसी भी वक्त मतलब बेवक्त बारिश हो सकती है। चार सीढ़ी चढ़ने में ऐसी मेरी सांस फूलती है ना। एक दिन क्या हुआ है कि मम्मी ने डाला हुआ था गेहूं, तब हुआ यूं कि सोचिए बारिश तो हो गई नहीं, सुबह से धूप आ जाती है, फिर नाश्ता वाश्ता में सब बिजी रहते हैं, खाने में तो इतना जल्दी कौन फैलाएगा, तो रात को फैला के चली गई कि सुबह जैसे ही धूप निकलेगी तो सुबह से धूप लगने लगेगी, है ना मम्मी। उसी रात यूं हुआ कि इतनी तेज़ वर्षा हुई कि पूरा गेहूं कोहड़ी बन गया। आपको कोहड़ी के बारे में बताएं, कोहड़ी हमारे मध्य प्रदेश की एक डिश है जिसमें गेहूं को फुला के खाया जाता है, प्रेशर कुक करते हैं नमक डाल के, वो बहुत ही बढ़िया लगती है। वो देखिए मेरी मम्मी गेहूं घसीट के लेके जा रही है फ्रेंड्स। सो वो इस तरीके से भीगा कि इसीलिए अब बहुत ही ज़्यादा खौफ रहता है कि गेहूं किसी भी वक्त गीला हो सकता है, तो अभी वही रखने आए हैं। ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी छत। फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर गेहूं उठा रहे थे ना, और मिट्टू उठ गई थी सोते सोते और रोने लगी थी, सपना देख रही थी लगता कोई, वो इतना डर गई है कि मम्मी को छोड़ ही रही है, है ना मम्मी। क्या हुआ बाबू, क्या हो गया? नहीं देखना, मेरा बच्चा डर गया। फाइनली शी इज फीलिंग बेटर। अभी मैंने मिट्टू को खाना खिलाया है और अब मिट्टू टीवी देख रही है, शायद कोई सपना देखा था। वैसे तो वो मेरे पास आती भी नहीं है, सो के उठने के बाद सीधे उसको नानी ही चाहिए होती है, बट आपने देखा होगा कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। देखो मेरी क्यूटी पाई को, मिट्टू को मैंने अपना ईयर मफ लगा दिया है और मिट्टू अपना टीवी देख रही है ना मिट्टू।
हेलो कर दो सबसे। नहीं करोगे हेलो? अच्छा बाय कर दो, बाय। नोस का है मिठू की? यस, मिठू की नोस भी है। सुबह सब हम लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर में रेडी होना स्टार्ट करेंगे। मिठू के पापा ने बोला है कि हम लोग करीब 8 बजे तक निकलेंगे, अभी बज रहे हैं शाम के 5:37 हो रहे हैं, 5:37। 8 बजे तक निकलना है तो अभी से रेडी होने का कोई मतलब नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम रेडी होने जा रहे हैं और मैंने निकाला है मम्मी का ये लहंगा। लहंगा नहीं है, बेसिकली ब्लाउज एंड स्कर्ट है, बट काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा लाइट वेट है और मुझे साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सो यस, अब हम रेडी होने जा रहे हैं, तो चलिए रेडी हो जाते हैं। इसका दुपट्टा जो है ये ले लो ना, काफ़ी चटक भरा हुआ दुपट्टा है जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद उसको नहीं भी ले लेना ना, इसको टक टक करके पहन देना, पर ठीक है, वी विल सी हम इसका क्या कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे मेकअप वगैरह भी करना है, सो लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ, मिठू भी रेडी है और हम दोनों जाने के लिए रेडी हैं। मिठू के पापा बस आ रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बदरी कहे चढ़ी। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द पिलर। चलो 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 चलो, चलिए चलते हैं। जैसे ही निकलूंगी मैं बताऊंगी। बस मिट्टू के पापा, मैं थोड़ा सा मिट्टू का सामान रख लूँ, मैंने मिट्टू का कुछ भी सामान नहीं रखा है, सो वो मैं रख लूँ। लेट्स डू इट। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं वेन्यू पे। यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चला कि जो तिलक का प्रोग्राम है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, बट चलो कोई बात नहीं। चलिए अंदर चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा है अंदर का माहौल। अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने फ्रेंड्स, एंड मैंने अभी लिए चाइनीज़ जिसमें है फ्राइड राइस, चाउमीन और मंचूरियन। तो और क्या क्या खाया मैंने वो आप देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स में। तो फिलहाल हम लोग वापस आ गए हैं हॉल में और यहाँ पे डांस वगैरह का प्रोग्राम बन रहा है, तो देखते हैं। अभी तो मिठू मस्ती कर रही है, उसको खाली स्पेस मिला ना तो बस वो खेलना चालू कर देती है। तो यस, बने रहिए व्लॉग में, अभी डांस होगा तो देख के ज़रूर जाना।
फ्रेंड्स अब हम लोग वापस जा रहे हैं। मैंने सब कुछ गाड़ी में उतार दिया, अपनी ज्वेलरी वगैरह जो बहुत हैवी लग रही थी, और मिट्टू को भी मैंने कार में चेंज कर दिया। और ये रहे मिट्टू के पापा। कैसी लगी तिलक? कैसा लगा तिलक? सॉरी। अब हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ, नहीं मिट्टू के पापा के यहाँ। तो क्योंकि अभी बज गए हैं, ये देखिए रात के 12 बज गए हैं और मम्मी लोग भी सो गए होंगे। हमें लगा नहीं था इतना लेट हो जाएगा, तो इसीलिए अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और कल है बारात, इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं डांस कर करके। आपने मेरा डांस देखा होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।